डॉक्टर साहब, क्या पूरा मामला है? रात को भी विवाद हुआ है, पार्किंग को लेकर बड़ा इशू रहा है। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने पहले तो बोला था जी हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक तो बिना परमिशन के यहाँ बाहर टेंट लगा दिया। इनके पास न पुलिस की परमिशन है, ना इनके पास कोई प्रशासन की परमिशन है। उसके बाद इन्होंने पूरी जितनी आगे की ज़मीन थी उस पर गद्दे बिछा दिए। हमने बोला भी कोई एम्बुलेंस से कोई मरीज आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो इतनी जगह तो कि गाड़ी घुस जाए अंदर, कहीं पार्किंग लगा सके कोई, तो इन्होंने मना कर दिया। रात को मैं अपना हॉस्टल संभालने आया था, तब मैंने जगह मांगी, इन्होंने दी नहीं, तो हमारे पास जो जगह थी हमने वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ, बता रहे कोई गाड़ी चुराने की भी कोशिश कोई बात की नहीं, यहाँ पे 4 लोग थे पुलिस जी वाले, 2 लोग अंदर मौजूद थे जी जो उस समय बाहर खड़े थे, सब काम उनके सामने हुआ है, पुलिस वालों की निगरानी में सब कुछ हुआ है। ऐसी कोई भी बात होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात निकलती है तो। आना सब, जैसे अब टेंट लगा दिया है जबरदस्ती, आपने ही टेंट लगा दिया, लेकिन पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत हो रही है पार्किंग दिक्कत तो मैं आपको का। बता रहा हूँ, सुबह सुबह पेशेंट आया मेरे एम्बुलेंस से, वो एम्बुलेंस अंदर आने की जगह नहीं बची, वो बेचारा पेशेंट वहाँ से पैदल चलकर आया, अंदर आते आते उसके पेशाब में खून आ गया, मैंने भी उसको एडमिट किया हुआ ऊपर। मैंने प्रशासन से भी बार बार बोला है जी आप कम से कम आवाजाही को ना रुके, इन्होंने टेंट भी इस हिसाब से लगाया, ना तो इधर से अंदर घुसने की गाड़ी की जगह है ना उधर से, जिस भी गाड़ी को आना है वो गद्दा हटा के अंदर आ सकता है, जाएगा तो फिर गद्दा हटाना पड़ेगा। तो वैसे लोगों को आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे, हम क्या तो काम? प्रशासन पे पूरा विश्वास रखते हैं, जो भी कार्रवाई करेगी प्रशासन करेगी, हम प्रशासन के बिल्कुल साथ हैं, हम अपना जैसे काम करते हम अपना रहेंगे। काम करते हैं, हम अपने मरीजों को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात हो रहा है, जो लोग धरना देके बैठे हैं क्या उसमें पेशेंट्स के परिवार के लोग भी हैं या बाहर के लोग भी देखिए, हैं? कल रात को तो जो लोग थे उनमें से परिवार का कोई भी आदमी नहीं था, रात को जो 4 लोग बैठे थे। सुबह सुबह कभी कभी किसी किसी को कभी भाई बना के ले आते हैं, कभी उसी बंदे को उसका वो देवर बना के ले आते हैं, कभी भतीजा, तो हमें नहीं पता परिवार से कोई, क्योंकि जिस पेशेंट ने जब ऑपरेट करवाया था तब उसके साथ जो लोग थे उनमें से अभी कोई मौजूद नहीं। देखो